हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स ऑफ क्लास 6 एंड टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। योर 1.4 इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन। सो हियर यू विल गेट द क्वेश्चंस लाइक राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अब आपको नियरेस्ट टेंस पे उनको राउंड ऑफ करके एस्टिमेट बताना है। एस्टिमेट मींस होता है आप जब एग्जैक्टली कुछ नहीं बताते हैं, वी जस्ट राउंड ऑफ द फिगर्स। सो फर्स्ट वन इज 997। ओके, सबसे पहले तो आपको ये देखना है नियरेस्ट टेंस है। नियरेस्ट टेंस है तो हम विद इन टेंस ही इसको चेक करेंगे कि 997 किसके बीच में लाई करता है। 997 लाई करता है 990 से 1000 के बीच में लाई करता है कहीं पे। सो डेफिनेटली 997 ज्यादा पास किसके होगा, 990 के या 1000? डेफिनेटली इट विल लाई समथिंग हियर 997। सो इट इज नियरर टू द 1000, सो 997 विल बी राउंडेड ऑफ टू 1000। अनदर एग्जाम्पल 15802। ओके, नाउ इट इज 15802। आप हमेशा लास्ट के डिजिट चेक किया कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट के टू डिजिट देखे थे 97, तो मुझे पता है 97 समथिंग बिटवीन 90 और 100 में आता है। सो इट हैज कम बिटवीन 990 एंड 1000। सिमिलरली 15802, लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 02। सो डेफिनेटली इट विल लाई इन बिटवीन 1500, 15800, मींस ये 00 से लेके 10 तक के बीच में लाई करेगा। यानी 15800 से 158110, मतलब आपने ये जो डिफरेंस चेक करना है, ये टेंस नियरेस्ट टेंस करने है, तो आप 10 का डिफरेंस ही लेके चेक करेंगे। अब जो 02 है, इट इज नियरर टू 1580, डेफिनेटली 15800, फिर 15801, फिर 15802, दैट काउंटिंग विल गो ऑन लाइक दिस। तो 15802 ज्यादा पास किसके है, इट इज नियरर टू 15800, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 15800। अनदर क्वेश्चन कि जब बिल्कुल मिड में ही आ जाए आपका कोई क्वेश्चन, जैसे कि ये है थर्ड एग्जाम्पल 26925। अब यहाँ पे क्या है लास्ट में 25 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। ओके, सो इट इज 26920 एंड 26930, इन दोनों के बीच में कहीं लाए करेगा। और ये तो एग्जैक्टली क्या है आपका 26925, इट इज अ हाफ वे बिटवीन बोथ दीज, इन दोनों के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल हाफ में है। सो बाय कन्वेंशन हम ऐसे नंबर्स को हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज राउंडेड इट टू टू द 26920। मींस हम नेक्स्ट टाइप स्टेप लेते हैं कि मींस वो 26930 के ही पास लगेगा। मींस अगर आपके पास सम टाइम कोई नंबर आता है 15, तो हमें पता है 15 10 और 20 के बीच में है, तो 15 को जब आप राउंडेड ऑफ करोगे तो राउंडेड ऑफ ऑलवेज टू द 20 ही होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 4783। अब स्टूडेंट्स 4783 को जब आपने नियरेस्ट हंड्रेड करना है, सो वी विल लुक एट द लास्ट थ्री डिजिट्स। ठीक है, आपने हंड्रेड का डिफरेंस लेना है और आपने देखना है कि 4783 अब किस किस के बीच में लाए करता है। सो डेफिनेटली 4783 ये 700 से लेके 800 के बीच में समथिंग लाया करेगा। अगर मैं लास्ट के थ्री डिजिट देखूं, 783 है, 783 समथिंग जो है वो हमारा 700 से 800 के बीच में कहीं लाया करेगा। एंड 400 ने जो हमारा स्टार्टिंग में, सो पुट दैट 4 आल्सो, मींस वो इन दोनों के बीच लाया करता है। मिड से पहले अगर कोई नंबर 4700 है और यहाँ पे 4800 है, सो इट हेयर विल बी सेम थिंग 4750, मतलब उसका हाफ इन दोनों का। अगर कोई भी चीज, अब जैसे कि 4783 है, 83 लास्ट में, हमें पता है कि आफ्टर 50 ही समथिंग लाई करेगा। अगर कोई नंबर्स फर्स्ट हाफ के अंडर लाई करते हैं, सो वो नियरर टू दिस वन हो जाएंगे 4700। अगर कोई नंबर आफ्टर द हाफ यहाँ पे समथिंग लाई करेंगे, दे विल बी नियरर टू द 4800। अब 4783 है, 83 है समथिंग, तो इट इज नियरर टू द 4800। डेफिनेटली वो हाफ के बाद ही आएगा, 750 के बाद ही आता है 783, तो वो कहाँ लाई करेगा, इट्स लाई इन दिस वन। सो डेफिनेटली जो ये है नंबर 4783, ये नियरर किसके हो गया 4800 के, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 4800। सी वन मोर क्वेश्चन 27726। अब ये वाला जो नंबर है डेफिनेटली
लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे क्योंकि हम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 कर रहे हैं. सो इट विल लाई इन बिटवीन 726. 726 है तो डेफिनेटली 700 और 800 के बीच लगेगा क्योंकि हमें अब 100 का गैप लेना है. पहले हमने 10th का ले रहे थे, अब 100 का लेंगे. तो डेफिनेटली 27 एज इट इज. और ये नंबर को हम किस किस के बीच में लाए करेगा, 700 टू 800 के बीच. अभी 726 है, 26 है तो हाफ से पहले है, मतलब इसका मिड क्या हो जाएगा 27750. और ये मिड है 726 और हाफ होता है 750. सो ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा. सो इट इज नियरर टू द 27700. सो दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द 27700. Now look at the third question, that is round off to nearest thousands. अब हमने किसके round off करना है, nearest thousand. First question देखिए 8603. अब बच्चे हमें thousand के around round off करना है, तो हम difference भी कितने का लेकर चलेंगे, अब यहाँ पे 1000 का difference लेके चलेंगे. अब जैसे 8603 है, 8603 किसके बीच में lie करता है, it lies in between 8000 and 9000. मतलब अब हम 1000 के difference के बीच में check करेंगे क्योंकि round off nearest 1000 है. 8603 लाए करता है 8000 और 9000 के बीच. अगर अब हम देखें 8000 और 9000 का मिड क्या होगा, मिड होगा 8500. अब यहाँ पे क्या है, ये 603 है और ये है यहाँ पे मिड में आता है 500, 8500. तो डेफिनेटली 8603 कहाँ लाए करेगा, 8500 के बाद ही लाए करेगा 8603. सो इट विल लाए हेयर समथिंग, मतलब हाफ के बाद. सो इट इज नियरर टू द 9000. सो दिस नंबर विल बी राउंडेड ऑफ टू द 9000. सी वन मोर क्वेश्चन, 51342 मीन्स 51342. तो अब ये नंबर लाए किस किस के बीच में करेगा, ये 51000 और 52000 के बीच में लाए करेगा, 1000 के डिफरेंस के बीच में चेक करेंगे. अगर इन दोनों का हाफ देखूं, हाफ देखूं मीन्स मिड देखूं, मिड बनता है 5150 यानी 51500 समथिंग मिड है. और यहाँ पे ये क्या है 51342, मतलब उसका जो हाफ है 51500 और यहाँ पे 342, तो इससे कम ही है. तो ये कहाँ लाई करेगा, समथिंग इस फर्स्ट वाले के अंदर. तो डेफिनेटली 51342 इज नियरर टू द 51000. सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 51000. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. List all numbers which are rounded off to nearest tens as 420. Means आपको उन numbers की list बनानी है जो rounded off होंगे nearest tens में 420. Means आपको 420 के rounded off वाले numbers लिखने हैं nearest ten में, कि जो जिनका answer 420 आए. अब आपको पता है कि nearest tens लेना है. मुझे पता है कि 410 से लेके 420 तक के जो number होंगे उनका mid क्या हो गया, 415. अगर कोई भी नंबर 415 से पहले लाए करेगा, लाइक अगर 411 है तो वो राउंडेड ऑफ होगा नियरेस्ट 410. बट जब मिड से स्टार्ट हो जाते हैं तो मिड के बाद वाले नंबर, अगर मैं बोलूं कि 415 है, वो राउंडेड ऑफ किसके होगा, नियरेस्ट टेंस. सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 420. तो नंबर कौन सा 415 से लेके 420 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये 415 से लेके 420 तक के सारे नंबर्स को अगर आप राउंडेड ऑफ करोगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस के राउंडेड ऑफ करेंगे तो कहाँ पे लाई करेंगे, 420 के पास. एंड ऑल्सो अगर मैं 420 से 430 तक की अगर नंबर लाइन पे चेक करती हूँ, नियरेस्ट टेंस, टेंस के डिफरेंस पे ही चेक करनी है, तो आपको पता है कि जो मिड है 420 और 430 का मिड है 425. 425 किसके नियरेस्ट लाई करेगा, 430. जैसे यहाँ 415 किसके राउंड ऑफ था, 420 के. सिमिलरली 425 किसके राउंड ऑफ होगा, 430. तो ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. बट 420 से लेके 424 तक के डिफरेंस, यानी 421, 422, 423, 424, यहां तक जो भी ये नंबर्स लाई करेंगे, ये सब जब राउंड ऑफ होंगे तो ये क्या होंगे, 420 के नियरेस्ट राउंड ऑफ होंगे. Now let's come to the next exercise, that is 1.5. Look at the first question, that estimate the sum by rounding off to nearest 100. अब हम क्या करेंगे students, वही numbers हैं, उनको estimate भी वैसे ही करना है, round off करना है. But यहाँ पे हम numbers का कभी आपने sum करना है, second question में difference आएगा, फिर product आएगा. अब जैसे यहाँ first question देखिए, 692 plus 237.
अब आपने राउंडिंग ऑफ क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है। अब मुझे पता है कि 692 को जब राउंडेड करूं, राउंडेड ऑफ करूंगी नियरेस्ट 100, तो नियरर किसके लाई करेगा 700, तो इट्स राउंडेड ऑफ टू 700। आप ये चीज रफ में करके देख सकते हो, जैसे 692 है, नियरेस्ट 100 देखना है, तो 692 किसके बीच में लाई करता है, 600 से 700 के बीच में ही लाई करता है, और 692 किसके पास लाई करता है 700 के, तो 692 किसके राउंड ऑफ हो गया 700। इसी तरह से 237 किसके बीच में लाया करता है, 200 से 300 के बीच लाया करता है, पर 237 ज्यादा पास किसके है, ज्यादा नियरर किसके है 200 के है, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 200। तो ईएस एस्टिमेटेड सम क्या हो गया, 692 राउंड ऑफ है, नियरेस्ट 100 है तो 700 है, 237 का नियरेस्ट क्या है 200, तो इनको ऐड करोगे योर आंसर इज 900, सो 900 इज द एस्टिमेटेड सम। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, 509 एंड 89। हमको पता है कि 509 है जो वो किसके बीच में लाई करता है, 500 से 600 के बीच लाई करेगा, और 509 ज्यादा पास किसके होगा 500 के होगा, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 500। इसी तरह से 89 है, लेना हमने डिफरेंस नियरेस्ट 100 ही है, 89 है तो किसके बीच में लाई करता है, 1 से 100 के बीच लाई करता है, और 89 ज्यादा पास किसके है 100 के, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 100। तो एस्टिमेटेड सम ईएस क्या आ गया आपका, 500 प्लस 100 दैट इज 600 इज योर आंसर। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। सेम क्वेश्चन है बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपने अब डिफरेंस करना है, सम नहीं करना है। सो डू वन क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, लाइक 883 माइनस 466, ठीक है, 883 में से आपको 466 सब्ट्रैक्ट करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। अब 883 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, तो डेफिनेटली हमें पता है कि 883 किसके बीच में लाई करता है, 800 से 900 के बीच लाई करता है, क्योंकि बोला गया कि नियरेस्ट 100 लेना है, तो 800 से 900 के बीच लाई करता है, एंड 883 नियरर किसके है, ज्यादा पास किसके है 900 के, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 900। नेक्स्ट 466 किसके बीच में लाई करता है, 400 से 500 के बीच लाई करता है, और 466, 400 और 500 का हाफ क्या होता है 450, ठीक है, दोनों के मिड में आता है, बट ये हाफ से ज्यादा है, 66 है, तो डेफिनेटली ये राउंड ऑफ किसके हो गया 500, तो बिकॉज इट इज नियरर टू द 500। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, सो 900 माइनस 500 इज 400, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे, इट्स एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, दैट एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है, एस्टिमेट ही करना है प्रोडक्ट्स को, मीन्स अब आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब आपको मेंशन ही नहीं दिया गया कि आपको एस्टिमेट करना है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तक या उसकी लीस्ट वैल्यू तक, एट दैट केस आप अपने मर्जी से कर सकते हैं कि आप उसको राउंड ऑफ किसके लिए कैसे कर रहे हैं। अब जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन है 79 मल्टीप्लाई 192, मैंने 79 को राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10, मुझे पता है 79 जो है वो 70 और 80 के बीच में लाई करता है, तो 79 ज्यादा पास किसके है 80 के, तो 79 इज राउंडेड ऑफ टू 80। सिमिलरली 192 को मैंने राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 100 के किया, 192 किस में लाई करेगा 100 से लेके 200 के बीच लाई करेगा, और 192 ज्यादा पास किसके होगा जब मैं राउंड ऑफ 100 के कर रही हूं तो 200 के, सो 80 मल्टीप्लाई 200 विल बी द दिस वन 16000 योर आंसर, दैट इज 16000 इज योर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ईपी स्टैंड फॉर द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ओके, ये चीज आप उस केस में कर सकते हो जब आपको मेंशन नहीं है कि आपने एस्टिमेट उसको उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तक करना है या कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 79 इट्स अ टू डिजिट नंबर, तो मैंने इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 किया बिकॉज द आंसर विल बी द 80, एंड 192 को जब मैं करती हूँ, अगर मैं नियरेस्ट 10 लेती तो इट विल बी नियर टू 190 के पास आता, बट मैंने इसको राउंड ऑफ 100 के किया तो मेरा आंसर आया 200, एंड कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इजी कि आंसर इज द 16000। लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, दैट एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू इट्स नियरेस्ट प्लेस। अब आपको मैंने अभी बताया था थर्ड क्वेश्चन, जैसे हमने एस्टिमेट किया था एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली कर लिया था।
अब फोर्थ में हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस, हम ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग ही राउंड ऑफ करेंगे। आप थर्ड क्वेश्चन को भी सेम इस वे से भी कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं है। फर्स्ट क्या है, 877 मल्टीप्लाई 725। अब ये दोनों ही क्या है, थ्री डिजिट के नंबर है, दोनों थ्री डिजिट के नंबर है, तो इनकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड इनकी ग्रेटेस्ट प्लेस है, तो हम इन दोनों को ही राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड। आपको पता है जब 877 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड, तो ये लाए किसके बीच में करता है, 800 से 900 के बीच, सो 877 विल बी नियरर टू द 900, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 900। एंड 725 को जब आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट हंड्रेड पे, सो इट विल बी 700, क्योंकि ये लाई करेगा 700 से 800 के बीच, और 725 ज्यादा नियरर किसके है, 700, सो वी विल मल्टीप्लाई 900 इंटू 700, द आंसर विल बी 630000। एंड लुक एट अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे अब दोनों सेम नहीं है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 792। अब 9 जो है वन डिजिट नंबर है, सो हम इसको तो राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस तक करना है, जो भी नंबर है उसको ग्रेटेस्ट प्लेस, सो ये डिजिट ही वन डिजिट का है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस। एंड 792 का हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, तो हम इसको किस, इस थ्री डिजिट का नंबर है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड पे करेंगे। सो 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, तो 9 किसके बीच में लाई करता है, 1 और 10 के बीच में लाई करता है, 1 से 10 के बीच में 9 ज्यादा नियरर किसके है, 10 के नियरेस्ट, सो 9 इज राउंडेड ऑफ टू 10। एंड 792 लाई किसके बीच में करता है, 700 से 800 के बीच, और 792 ज्यादा पास किसके है, 800 के, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 800, सो 10 मल्टीप्लाई 800 विल बी 8000। मींस आप चेक करोगे कि वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे 9 एक वन डिजिट का नंबर था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस, अब ये थ्री डिजिट का नंबर है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 100। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट रूपी। अब आपको रूपी की फॉर्म में इनको राउंड ऑफ करना है। The first part is rupees 5.26, यानी 5 rupees and 26 पैसे plus rupees 2.85, यानी 2 rupees and 85 पैसे, हमें इसको estimate करना है। अब जो आपका rupees 5.26 है, it can be rounded off to rupees 5, ठीक है, क्योंकि 5 rupees 5 point something, it lies in between 5 और 6 के बीच में कहीं लाई करेगा, और 5.26 5 का 5 और 6 के सेंटर में आएगा 5.5 something, तो उससे पहले लाई करेगा हाफ से, तो इट विल लाई नियरर टू द 5, सो रुपीज 5 एंड 2.85, ठीक है। नाउ 2.85, अब हमें पता है 2.85 जो चीज है वो 2 से 3 के बीच में कहीं लाई करेगी, और 2 और 3 का हाफ क्या होगा, 2.5, अब ये क्या है 2.85, यानी 2.5 से समथिंग ज्यादा, 2.85, तो इट विल लाई नियरर टू द 3, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू द 3। मीन्स अगर कोई चीज मिड से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पे 2.85 था, तो ये किसके नियरर होगी, 3 के नियरर होगी, तो इट्स राउंडेड ऑफ टू 3, सो एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 5 प्लस 3 इज 8। सी वन मोर क्वेश्चन, रुपीज 7.67 माइनस रुपीज 2.05। अब इसमें आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना, आप देखिए ये है 7.67, 7.67 का मतलब क्या है कि ये समथिंग 7 और 8 के बीच में लाई कर रही है, 7 टू 8 के बीच में, और 7 और 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 7.5 समथिंग, दोनों को अगर हाफ करूं मैं, मिड देखूं मैं इन दोनों का, तो 7.5 समथिंग, और ये है 7.6, यानी 7.5 से कुछ ज्यादा, यहाँ पर कहीं पर 7.67, तो ये चीज राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगी, नियरर टू 8, सो 7.67 इज राउंडेड ऑफ टू रुपीज 8। नेक्स्ट इज 2.05, नाउ दिस 2.05 विल लाई समथिंग बिटवीन 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2 और 3 का हाफ क्या है, 2.5 समथिंग, बट ये क्या 2.05, मींस ये कहीं ना कहीं 2 के बिल्कुल पास ही लाई कर रहा है, मतलब 2.1 से भी छोटा है, सो इट विल राउंड ऑफ टू 2, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दैट, दिस इज राउंडेड ऑफ टू 8, दिस इज राउंडेड ऑफ टू 2, तो 8 माइनस 2 इज 6,